हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारी पोयम द पुली सीखने जा रहे हैं। इस पोयम के पोएट जॉर्ज हर्बर्ट है, वो एक विलिश पोएट है और इस पोयम के थ्रू पोएट हमें कुछ बातें बताना चाहते हैं। ही वॉज अ प्रीस्ट बाय प्रोफेशन से वो प्रीस्ट है, प्रोफेशन से वो प्रीस्ट थे। ही रोट रिलीजियस पोएम्स विथ अ लॉट ऑफ इमेजिनरी एंड कंसीट्स। बहुत सारी इमेजिनरी या कंसीट यूज करके वो रिलीजियस पोएम्स लिखते थे। द पोएम एग्जिबिट्स अ स्ट्रेंज बट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड हिज वर्शिपर। ये पोएम हमें एग्जिबिट करती है एक बहुत ही दो तरीके का रिलेशनशिप जो गॉड और उसके भक्तों के बीच में है। Though he has bestowed his worshippers with all his blessings, somewhere he holds them up with the pulley drawn to be grateful to him in all our endeavor. यहाँ पर पोएट हमें बताते हैं कि गॉड ने क्या किया है, अपने जो कुछ भी उसके पास में था उन सभी चीज़ों से उसने क्या किया है, भक्तों को अपने ब्लेसिंग, वर्शिपर को अपने ब्लेसिंग्स वगैरह दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर उसने क्या किया है, अपने भक्तों को अपने साथ में जोड़ के रखा है, पकड़ के रखा है अपनी कोशिशों की वजह से। गॉड गिव्स सो मेनी प्रेशियस गिफ्ट्स टू द डिवोटी, बट एट द सेम टाइम गॉड ऑल्सो एक्सपेक्ट्स समथिंग इन रिटर्न। गॉड ने बहुत सारी प्रेशियस ऐसे गिफ्ट्स यहाँ पर अपने भक्तों को दिए हैं, लेकिन उसी टाइम पे वो अपने भक्तों से भी कुछ एक्सपेक्ट करता है। व्हाट डज ही एक्सपेक्ट, व्हाई डज ही विथहोल्ड। वो अपने भक्तों से क्या एक्सपेक्ट करता है और उसने यहाँ पर क्या अपने पास रखा हुआ है। द पुली शोज हाउ गॉड लिफ्ट्स मैन टूवर्ड्स हिमसेल्फ विद द पुली ऑफ रेस्टलेसनेस। ये पोयम हमें यहाँ पर बताती है कि गॉड ने किस तरीके से मैन को अपने पास रखा हुआ है, पुली ऑफ रेस्टलेसनेस। एक चीज़ से रेस्टलेसनेस इस की वजह से उसने गॉड ने अपने आप से भक्तों को जोड़ के रखा है। व्हाट इज़ डिस्टिंक्टली मेटाफिजिकल अबाउट द पोयम इज़ दैट अ रिलीजन नोशन इज़ कन्वेट थ्रू अ सेक्युलर साइंटिफिक इमेज। यहाँ पर रिलीजियस नोशन जो है एक सेक्युलर साइंटिफिक इमेज के थ्रू कन्वे किया गया है। वेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन हैविंग अ क्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, लेट अस ही सेड पोअर ऑन हिम ऑल वी कैन, लेट द वर्ड्स रिचेस विच डिस्पर्स ही कॉन्ट्रैक्ट इन टू अ स्पैन। फर्स्ट स्टांजा में पोएट हमें यहाँ पर बता रहे हैं, व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, यानी कि पूरे नेचर को बनाने के बाद में सबसे लास्ट में मैन गॉड ने क्या किया है, ह्यूमन को बनाया है, मैन को बनाया है। और जब सबसे पहले गॉड ने मैन को बनाया, हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, यहाँ पर जैसे इमेजिन किया है कि गॉड के पास में एक ग्लास है, वो क्लास में उन्होंने पूरे अपने ब्लेसिंग यानी जो कुछ भी वो यहाँ पर ह्यूमन को देना चाहते थे वो सारी क्वालिटीज उन्होंने उस ग्लास में भरी हुई है, ऐसा इमेजिन किया है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर इमेजिनेशन में बताया है कि गॉड जो है उन्होंने सबसे पहले जब मैन को बनाया तो उनके पास में एक ब्लेसिंग से भरा हुआ ग्लास था। लेटस ही सेड ही पोअर ऑन हिम ऑल वी कैन, और तब उन्होंने क्या कहा कि इस ग्लास में जो कुछ भी चीज़ें भरी हुई है, जो कुछ भी ब्लेसिंग्स हम यहाँ पर दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, ह्यूमन बींग्स में डालनी है यानी मैन में डालनी है, ऐसा गॉड ने कहा। लेट द वर्ड्स रिचेस विच डिस्पर्स लाई कॉन्ट्रैक्ट इन टू अ स्पैन। यहाँ पर रिचेस मीन्स वेल्थ, डिस्पर्स का मतलब है स्कैटर्ड, मीन जो अलग अलग जगह पे फैले हुए है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कलेक्ट टुगेदर और स्पैन मीन्स स्मॉल स्पेस, यानी कि
हमें पता है कि हर एक पर्सन में अपनी कुछ अलग क्वालिटी होती है, कोई बहुत होशियार होता है या कोई किसी आर्ट में वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, कोई पढ़ाई में होशियार होता है। और वैसे एनिमल्स जो यहाँ पर गॉड ने बनाए हैं तो उनको भी अलग अलग क्वालिटीज़ दी है। तो जैसे कि एलिफेंट जो है, तो एलिफेंट के पास में क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। जो डियर वगैरह है वो बहुत तेज़ी से भाग सकते हैं, या बाकी के भी जो कुछ भी एनिमल्स है उनके पास में सब में गॉड ने कोई ना कोई एक क्वालिटी अपना जीवन स्पेंड करने के लिए हर एक एनिमल में हो या पर्सन में हो उन्होंने क्या किया है, क्वालिटीज़ डाली है। तो यहाँ पर गॉड ने क्या कहा कि जो कुछ भी जितनी भी वेल्थ है यानी जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सब अच्छी बातें, जो अच्छी क्वालिटीज़ मीन्स एनिमल्स में या किसी में भी उन्होंने दूसरी चीज़ों में जो कोई भी अच्छी बातें अच्छी क्वालिटीज़ डाली है वो सभी सबके मिलके मीन्स हर एक एनिमल की मिलके, समझो आप जैसे स्ट्रेंथ है तो वो भी ह्यूमन में डालनी है, एलिफेंट के पास है सिर तो वो ह्यूमन में डालनी है, डियर के पास में जो क्वालिटी है जोर से भागने की वो भी ह्यूमन में डालनी है। मीन्स सब में हर एक चीज़ में जो उन्होंने अलग अलग क्वालिटी डाली है नेचर के, वो सभी क्वालिटीज़ यहाँ पर वो ह्यूमन में डालना चाहते थे। तो उन्होंने कहा क्या कहा कि लेट अस द वर्ल्ड्स रिचेस, यानी जितनी भी वर्ल्ड में वेल्थ है मीन्स जितनी भी अच्छाइयाँ है जितनी भी क्वालिटीज़ है, विच डिस्पर्ड लाए मीन्स जो इधर उधर फैली हुई है, फैली मीन्स कहाँ पर है, अलग अलग चीज़ों में है, एनिमल्स में उन्होंने अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग क्वालिटीज़ डाली। तो ये अलग अलग क्वालिटीज़ जो अलग एनिमल्स में फैली हुई है तो उन सभी को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कलेक्ट करना है इनटू अ स्पैन मीन्स एक स्मॉल स्पेस में, यानी कि एक ही पर्सन में एक ही चीज़ में वो सभी क्वालिटीज़ हमें क्या करनी है, डालनी है। मीन्स स्ट्रेंथ भी डालना है, जोर से भागने की हो, सहन शक्ति की हो, यानी कोई भी क्वालिटी हो तो वो सारी क्वालिटीज़ हमें गॉड ने क्या की, बाकी सबको जो एक एक क्वालिटी दी थी वो सभी की एक एक क्वालिटी यहाँ पर गॉड ने ह्यूमन बीइंग को दे दिए। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, सबसे पहले उन्होंने ह्यूमन को कौन सी क्वालिटी दी, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत दी। देन ब्यूटी फॉलोड, देन विजडम, ऑनर, प्लेजर। फिर उसके बाद में उन्होंने ह्यूमन को सुंदरता दी, फिर विजडम दी बुद्धिमत्ता दी, ऑनर दिया मीन्स सम्मान दिया, और प्लेजर यानी कि सारी सुख सुविधाएँ भी उन्हें दी, खुशी दी उन्हें। वेन ऑलमोस्ट ऑल वॉज आउट गॉड मेड अ स्टे, और जब गॉड के ग्लास में से सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें उसने ह्यूमन को बनाने के बाद उसमें डाल दी, सारे आशीर्वाद उसने यहाँ पर ह्यूमन को दे दिए, तो कुछ देर के लिए गॉड वहाँ पे रुके। परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर्स रेस्ट इन द बॉटम ले, अब गॉड ने यहाँ पर थोड़ी देर रुके, क्यों रुके वो, तो परसीविंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर्स, परसीविंग मीन्स नोटिसिंग, उन्होंने नोटिस किया कि मैंने सभी चीज़ें तो यहाँ पर जो कुछ भी मेरे पास में चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने क्या की, अपने ट्रेजर में से ह्यूमन को दे दी, ह्यूमन बींग्स को मैंने उसमें सब कुछ डाल दिया है, रेस्ट इन द बॉटम ले। लेकिन एक लास्ट की चीज़ यहाँ पर गॉड ने अपने पास रखी, वो चीज़ मीन्स था वो